है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिक बे। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं हमारा नॉस्टैल्जिया और टाइजन का बे ड्रैगून, जो प्लास्टिक जिन का पहले आता था, बहुत पहले वाला प्लास्टिक जिन में, वही ड्रैगून आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। और चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला है। अभी इसको निकालते हैं तो ये निकला हमारा ड्रैगून। ये एक पुराना वाला रिपकॉर्ड मिला है, ये है रिपकॉर्ड। और ये एक ड्रैगून का लिफ्ट लॉन्चर मिला है, ये उतना भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। और ये फर्स्ट कॉपी है, ये सारे के सारे फर्स्ट कॉपी है। और ये रहा इसका स्टिकर शीट, और ये एक अलॉय रिंग मिला है, और तो कुछ नहीं है बॉक्स में। चलिए बॉक्स को रखते हैं साइड पे और निकालते हैं असली मटेरियल्स को। ये रहा इसका एनर्जी रिंग, और ये इसका वेट डिस्क, और ये है इसका मेन पार्ट्स। तो निकाल लेता है इस सब चीज़ को। ये निकल गया इसका मेन इंजन, और ये निकल गया इसका जो व्हील है जिसमें ये इंजन सेट होगा, वो वाला, इसी में इसका ये इंजन सेट होगा। ये सब निकालना बहुत टफ होता है, दिक्कत होता है इसमें। चलो फिर निकल तो गया कम से कम, ये टूट जाता है टाइम। ये और एक है, इसको भी निकाल लेते हैं। चलो निकल तो गया कम से कम, ये भी निकल गया है, हालांकि थोड़ा इधर उधर कटिंग करना पड़ेगा। और ये है इसका नीचे का डिस्क, जो काफ़ी शानदार है, बचपन से मेरा सबसे पसंदीदा बे यही था। और इसमें टिप जो है, ये मेटल टिप है, बहुत ही ताकतवर। और ये बिग चिप, एक बिग चिप निकाल लेते हैं और एक को अपने रेस्ट कर देते हैं, इसको रखते हैं साइड पे। और भी निकालते हैं इसका स्टिकर शीट्स, और ये रहा इसका स्टिकर शीट। ये ड्रैगून है, लिफ्ट वाला है। और ये इसका इंजन का जो रिंग है वो निकाल लेते हैं। और ये इसका कुछ मैनुअल वगैरह है, लेकिन ये पूरा जो लैंग्वेज में लिखा है वो मैं पढ़ नहीं सकता। चलिए अभी इसको करते हैं साइड पे और रेडी करते हैं हम लोगों का बे को। और पहले हम स्टिकर्स लगा लेते हैं। तो स्टिकर्स में ये जो है, ये नीला वाला, ये सब इधर लगेगा। और ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला इस पे लगेगा, इसी पे लगेगा रेड वाला भी, इधर में, इधर में, ये सब जगह पे। और ये जो ड्रैगून लिखा हुआ है, ये नीला वाला चारों, ये चारों इसके पीछे इधर में लगेगा। तो लगा लेते हैं स्टिकर पहले। और ये हमें मिल गया ड्रैगून का सारा पार्ट, और ये मैं निकालना भूल गया था तो ये निकाल लिया मैंने। तो अभी मिल गया हम लोगों को सारा पार्ट। तो ये स्टिकर्स मैंने बता दिया है, तो अभी असेंबल करते हैं। और ये रिंग मेरे हाथ से टूट गया, अभी फ़िलहाल देखने के टाइम में टूट ही गया, क्या कर सकते हैं, चलो इसी से काम चला लेंगे, कम से कम काम चलाऊ तो है ये, ठीक है, क्या कर सकते हैं, टूट गया तो काम चला लेंगे इसी से। तो भी ये लग गया है ऐसे, सॉरी, इसको लगा लेंगे ऐसे, और इसी के साथ इसको भी लगा लेंगे ऐसे करके। ये कर दिया टाइट इनको, ये हो गया ये दोनों टाइट। अच्छे से टाइट कर दिया, तो कुछ दिक्कत की वजह से ये वीडियो कट हो गया था। तो ये रेडी हो गया मेरा, ये जो इंजन है इसका रेडी हो गया। अभी इसको इसमें लगा देंगे ऐसे, और अभी सेट करेंगे इसका ये वाला गियर। तो ये लग गया ऐसे, और ये भी सेम ऐसे लग गया। तो ये हो गया इसका बेस पूरा, काफ़ी शानदार लग रहा है इसका बेस। तो अभी
इसको लगा लेते हैं ऐसे। ये जो इसका मेटल वेट डिस्क है तो ये लग गया इसका वेट डिस्क, और अभी इसके ऊपर इसका मेन वेट आएगा। ये आ गया इसका मेन वेट जो काफ़ी शानदार है, और ये हमने कर दिया इसको टाइट। और अभी इसमें हम लगाएंगे इसका बिट चिप जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और ये लग गया इसका बिट चिप तो दिखने में काफ़ी शानदार है ये भी। तो अभी हम करेंगे इसका स्टिकरिंग, तो आते हैं स्टिकर लगा के। यह है ड्रैगून वी और ये लेफ्ट लॉन्च है। ये इसका बैक साइड है, इसका बैक साइड बड़ा सुंदर है क्योंकि इसमें ये स्टिकर्स है, और इसका जो ये डिफेंस रिंग है ये क्लिप्स के साथ पूरा होता है। अगर ये क्लिप्स नहीं लगाएंगे तो इसका डिफेंस रिंग पूरा नहीं होगा, तो ये काफ़ी सुंदर है। और ये लेफ्ट लॉन्च है ऐसा दिख रहा है आपको, और ये इसका फ्रंट पोर्शन काफ़ी सुंदर है दिखने में, देख सकते हैं आप लोग। तो इसका वेट डिस्क ये है और इसको अभी लगा लेते हैं, लगा के देखते हैं ट्राई करके कि कैसा चलता है ये। चलो ये लग गया है और लग तो रहा है कि काफ़ी अच्छा है बेस। तो जल्दी से स्टेडियम को लाते हैं, लेकिन उसके पहले बता देता हूँ कि इसका लॉन्चर है, ये लेफ्ट लॉन्च है, और ये रिपकॉर्ड है इसका। रिपकॉर्ड का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये रिपकॉर्ड इसमें उल्टा जाता है ऐसे, क्योंकि ये लेफ्ट लॉन्च है तो उल्टा जाता है और ऐसे छोड़ना पड़ता है। तो पहले स्टेडियम को लाते हैं उसके बाद दिखाते हैं। और ये तगड़ा अटैक टाइप है क्योंकि इसका टिप देख रहे हैं आप लोग, ये तगड़ा अटैक टाइप भी है। ये आ गया हम लोगों का स्टेडियम, और ये अभी हम लोग इसमें करने वाले हैं लॉन्च ड्रैगून वी, ड्रैगून वी को। और ये रेडी कर लिया मैंने, ये 3 2 1, और ये तगड़ा अटैक टाइप है आप देख ही सकते हैं। और मेरे पास इसके साथ अभी लड़ने वाला फ़िलहाल कोई बे तो नहीं है, सिर्फ यही है ये जो किंग ब्लेडर्स की स्टेडियम के साथ कुछ बे आया था जो उल्टा सीधा पिक्चर वाले, वही है, और तो अलग से कुछ नहीं है। तो फिलहाल उसी से काम चलाना पड़ेगा। फिलहाल उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये रहा वो बे, डुप्लीकेट ड्रॉन्जर, और पिक्चर दिया हुआ है छोटा डरसील का, अच्छा नाम है छोटा डरसील। तो इसी के साथ फाइट करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। ड्रैगन भी जीतेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। ड्रैगन भी को मैं ये डुप्लीकेट जो पेगासस वगैरह इसके साथ भी फ़ाइट करवा सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी है ना, तो टूट सकता है। अगर मेटल फाइट से तो फाइट करवाया तो ये ऐसे भी इसका ये टूट सकता है डिफेंस रिंग वगैरह, तो नहीं करवाएंगे यार, क्यों करवाएंगे, प्यारा भी है कितना। तो 3 2 1, और इसी के साथ इसको लॉन्च करते हैं। लग रहा है रिंग आउट करेगा, देखते हैं। ओ भाई साहब, फेंक दिया, निकाल के फेंक दिया, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते इसको। तो अभी तो फाइट करने के लिए कुछ मिनट प्लास्टिक जेन का बे इस वक्त मेरे पास नहीं है, आगे देखते हैं अगर होगा तो करेंगे इसका भी फाइट। तो आज के लिए इतना ही, और क्लोज लुक मैं दे दूंगा इसका लास्ट में, और एक बार इसका स्पिन करके दिखा देता हूँ कि कैसा तगड़ा अटैक टाइप है ये। ये ऐसे जाता है अंदर में,
ये लेफ्ट लॉन्च है, पहले ही बोला था मैंने। तो 3-2-1 और ये अटैक टाइप है। और अभी और क्या बोलता हूँ दोस्तों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी, और शायद अगले वीडियो में बस ट्रेन का कुछ आने वाला है, देखते हैं फिलहाल। और तब तक के लिए गुड बाय, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब कर देना यार, मोटिवेशन मिलती है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।